अभी निकालना है आपको, टाइम निकालना है ना, कि कितने टाइम के बाद ये क्या करेगा, प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग का मतलब ये होता है कि लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का जीरो होना। हाँ, कितनी देर के बाद प्योर रोलिंग करेगा ये पूछा है, ठीक है। अब ये बताओ, जब तुम इसको रखोगे नीचे ग्राउंड पे तो लोएस्ट पॉइंट कहाँ जाएगा पहले बताओ। अरे ऐसे घूम रहे ना यार, तो लोएस्ट पॉइंट कहाँ जाएगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन भी आप पीछे लगा दोगे, फ्रिक्शन अपोजिट लगता है ना, जब वेलोसिटी स्लाइडिंग हो रही है कुछ चीज़ अगर ऐसे स्लाइड कर रही है फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना उस पर, ठीक है। अरे ऐसे है ना ये, और ये पॉइंट कहाँ जा रहा है बताओ, तो फिर शंगा लगेगा इस पर, आगे लगना है, जिधर रिलेटिव मोशन था उसका अपोजिट लगता है ना। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है अभी घुमाया तुमने, ऐसे घुमा के तुमने ऐसे रखा, तो पॉइंट कहाँ जा रहा है, फ्रिक्शन आगे लगेगा इस पर। अब वो फ्रिक्शन क्या करेगा, पहले इसके ट्रांसलेशन को सोचो क्या करेगा फ्रिक्शन, बताओ भाई, जो इसकी आगे ट्रांसलेटरी मोशन है उसको फ्रिक्शन क्या करेगा, बढ़ाएगा ना। क्या शुरू में कोई ट्रांसलेशन है इसमें, नहीं है, तो फ्रिक्शन आएगा इसकी एक्सेशन को, इसको एक्सेशन देगा फ्रिक्शन, किधर, आगे की तरफ एक्सेशन देगा, तो इससे क्या होगा बताओ, अरे वेलोसिटी बढ़ेगी ना यार, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है, क्लियर। अब बताओ ओमेगा पे क्या फर्क पड़ेगा, अब ये फ्रिक्शन अगर ऐसे लगेगा है ना, अब तुम फोन रखो, इस पर टॉर्क कितना आएगा बताओ, इस आएगा टॉर्क नहीं आएगा बताओ यार, कोई ऐसे घूम रही हो ऐसे सोचो, और कोई इस पर ऐसे फोर्स लगा दे तो उसका टॉर्क आ जाएगा ना, तो टॉर्क ऐसे आएगा, ये टॉर्क ओमेगा को क्या करेगा बताओ, अरे सबको दिख रहा होगा यार ओमेगा ऐसे है, और कोई बंदा इसको ऐसे खींच दे तो ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पहली बात तो ये है, इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही है, ओमेगा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या नहीं समझ आता यार, फ्रिक्शन आगे है ऐसे, ये डिस्टेंस आर है, टॉर्क ऐसे ही लगेगा एंटी क्लॉक वाइज, फ्रिक्शन को मान क्या लगेगा, फ्रिक्शन ही, फ्रिक्शन ही तो फोर्स लग रहा है बाहर से, है ना। तो ओमेगा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्योर रोलिंग कब शुरू होती है, अरे वी ज़ार ओमेगा हो जा रहा, तो फ्रिक्शन का काम है लीनियर वेलोसिटी को बढ़ाना, ठीक है। चलो पहले बताओ फ्रिक्शन कितना आएगा, आप लोग भाई रिस्पॉन्ड करते रहो फिर, हाँ म्यू के एन, एन कितना होगा, एम जी, नहीं सिर्फ एम जी यार, ये क्या बताओ, ये फ्रिक्शन आ गया, ये फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा है, फ्रिक्शन तो आगे एक्सेलरेट करा रहा है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एम ए इज इक्वल टू म्यू के एम जी, ए कितना आ गया बताइए, ये क्या आया, ये एक्सेशन आ गया किधर, फॉरवर्ड एक्शन में, ये एक्सेशन वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बताओ शुरू में कितनी वेलोसिटी है, या तुम्हें घूमने वाली वेलोसिटी दी है, भागने वाली नहीं दी है, तो लीनियर वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो आप इक्वेशन लिखोगे वी इज यू प्लस ए टी, और मैं कोने में इक्वेशन लिख देता हूँ, ए की वैल्यू म्यू के आ गई, तो दिस इज म्यू के जी इन टू टी, दिस इज इक्वेशन वन, बोलो कोई डाउट। तो इन क्वेश्चन में ये करना होता था हमें, क्या पहले हमें वी निकालना होता था, और उसके बाद हमें क्या निकालना होता था, अरे ओमेगा निकालना होता था यार, और दोनों को बराबर करना होता था, वी इज आर ओमेगा। अब आते हैं ओमेगा पे, ठीक है, ओमेगा पे सीधे तो पहुँचेंगे नहीं, जैसे हमने यहाँ पे ए निकाला था वैसे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, अरे अल्फा निकालना पड़ेगा यार, अरे वी इज यू प्लस ए टी यार, यू जीरो है इसका, सुनते रहो मैं सारी बातें बोल रहा हूँ। आप क्या निकालना है बताओ, आप निकालना है हमको ओमेगा, ओमेगा क्या हो रहा है, ओमेगा कम हो रहा है ना यार, ऐसा फ्रिक्शन लग रहा है ना, ठीक है। तो पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा जैसे वहाँ तो एफ इज एम ए कर देते थे तो ए निकल आता सीधे, अल्फा निकालने का थोड़ा पंगा होता है, क्या देखना पड़ता है, टॉर्क देखना पड़ता है। तो पहले बताओ टॉर्क किसका आ रहा है यहाँ पे, बताओ
फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है, कितना फ्रिक्शन फोर्स है बोलो, ये म्यू के एम जी। भाई तुम लोग थोड़ा कंसंट्रेट करते रहो, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, डिस्टेंस कितनी आ रही है, क्या क्या बताओ, ये टॉर्क आ गया, क्लियर। ये फ्रिक्शन यार तुम लोग कल क्वेश्चन कराया था, कर नहीं पाया आज, तुम लोग ढंग से क्या करो प्रॉब्लम्स को, यार हो गया, ये टॉर्क आ गया, ये टॉर्क इसके कल होगा बोलो, ये अल्फा के कल होगा, तो फिर लिखेंगे हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ से अल्फा कितना आएगा, टॉर्क अपॉन आई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू के एम जी आर, और आई कितना होगा इसका, 2/3 mr2, एम दोनों सेम है, तो दिस इज 3/2 म्यू के जी बाई आर, ये अल्फा आ गया। आई बात समझे, अभी बताओ ये अल्फा, तो अल्फा निकाल थोड़ा पंगा होता है, पर टॉर्क देखना पड़ता है, और क्या देखना पड़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ तो एफ इज एम ए होता है, तो हमें एफ तो निकालना ही नहीं पड़ता, सीधा दिख जाता है, यहाँ एक स्टेप और बढ़ जाता है क्या, कि एफ के बाद उसका टॉर्क देखो, और एम की जगह क्या देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो। चलो अल्फा आ गया, आप बताओ क्या करेंगे, अब बताओ इसके ओमेगा को, ये अल्फा क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ठीक है, तो लिखिए आप ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, इसमें तो ओमेगा जीरो होगा, बताओ समझ आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ये हमारी हुई इक्वेशन टू। पहले बताओ वन और टू में कोई डाउट, मैंने अल्फा निकाल दिया था, लिख दिया, हाँ अल्फा निकाल के ओमेगा की वैल्यू थी ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, आप क्या करेंगे बताओ इसके बाद, अरे ओमेगा आ गया ना भाई, किसके साथ, अरे भाई ओमेगा पता चल गया तुमको टाइम के साथ, वी पता चल गया टाइम के साथ, तो अगला स्टेप तो बता दो यार, कि पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करवाओगे, क्या करेंगे अब, वी इज गड़वा ओमेगा, जब प्योर रोलिंग शुरू होगी तो वी किसके कॉल हो जाएगा, तो लिखो व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स वी इज गड़वा ओमेगा, तो फ्रॉम वन एंड टू व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट वी इज गड़वा ओमेगा, तो म्यू के जी टी इज इक्वल टू आर, एंड ओमेगा कितना है, ओमेगा नॉट माइनस टी बाई टी म्यू के जी टी बाई, ठीक है, चलो ये वैल्यूज आ गई, यहाँ से आप टाइम निकालिए फाइन टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोग बताओ, पता है टी की वैल्यू कितनी आ रही है, चलो टी निकाल दें जो भी आ रहा, ठीक है, बात समझ आ गई, टी निकाल,